दोस्तों अभी मैं स्थित हूँ आपका वाराणसी के जेचू ट्रामा सेंटर के पास। बगल में आपका है पुलिस चौकी नगवां थाना लंका। यहाँ पर देखिए सामने एक रुमानी है ठीक ट्रामा सेंटर के सामने, जो कि दाहिने साइड वाला रोड आपका सीधे चला जाता है, आपका रविदास पार्क के लिए भी चला जाएगा ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं, और आपका चला जाएगा दुर्गा कुंड के लिए भी, रविंद्रपुरी के लिए। इस साइड देखिए एक प्रवेश द्वार है, ये देख रहे हैं ट्रामा सेंटर एवं सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय। और आगे बढ़ने पर देखिए इस साइड आपका है हरिप्रिया संस, और ये वाला जो रास्ता है ये आपका चला जाएगा छित्तूपुर के लिए। छित्तूपुर होते हुए ये जाके आपका सीधे मिल जाएगा NH 90 में। सामने आपका है लंका चौराहा, जो कि बाएं साइड वाला आपका चला जाता है बेचू कैंपस के पास, यानी बेचू कैंपस के अंदर, और दाहिने साइड वाला रोड आपका सीधे चला जाएगा रविंद्रपुरी के लिए भी चला जाएगा, और दुर्गा कुंड के लिए भी चला जाएगा, संकट मोचन मंदिर के लिए भी चला जाएगा। ये देख रहे हैं सामने आपका है बेचू सिंह द्वार, वाले ये क्या व्यवस्था है देख रहे हैं, ये है लंका चौराहा। और इस एरिया में आपको कई सारे मेडिसिन शॉप के दुकानें मिल जाएंगे। वैसे अगर एक एक करके गिनती किया जाए तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 100 से अधिक दुकान आपको मिल जाएगा मेडिकल शॉप का। ठीक है दोस्तों, और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेचू ट्रामा सेंटर से आपका बनारस रेलवे स्टेशन तक के नज़ारे। ये देख रहे हैं ये कुछ भीड़ भाड़ कुछ इसी प्रकार का रहता है, क्योंकि बगल में ये आपका है सर सुंदरलाल अस्पताल बाएं साइड में। ठीक है, और कई सारे आपको यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर भी मिल जाएगा जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। और इस एरिया में देखें तो जाम जैसी भी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पे जाम रहता है, क्योंकि अस्त व्यस्त वाला यह रोड है। दीवारों को देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत डेंटिंग पेंटिंग किया गया है। और आगे बढ़ने पर एक मोहाली है, जो कि एक सीधे सुंदरपुर यानी बनारस रेलवे स्टेशन के लिए चला जाएगा, और यह सीधा रास्ता आपका चला जाता है ITI करौंदी के लिए भी चला जाएगा, और आपका NH 90 में जाकर मिल जाएगा। यहाँ से एक रास्ता कटा हुआ है, ये चला जाता है आपका संकट मोचन। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जो कि दाहिने और बाएं साइड में चार पहिया वाहन आपको नजर आ रहा है, ये इसलिए है कि बगल में ही आपका है आपका मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल, उसी वजह से यह भीड़ है।
देख रहे हैं इसका है मेन प्रवेश द्वार इस साइड, ये देख रहे हैं साइड वाला रोड आपका चला जाएगा धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज होते हुए आगे ही कट जाएगा आपका चितईपुर के लिए, और दाहिने साइड वाला रोड आपका चला जाता है खोजवा के लिए, खोजवा होते हुए आप कमच्छा के लिए भी चले जाएंगे, दुर्गा कुंड के लिए भी चले जाएंगे, और आगे बढ़ने पर आपका है सुंदरपुर सब्जी मार्केट, देख रहे हैं जो सुंदरपुर सब्जी मार्केट है वो इस साइड है दाहिने साइड, आपका है मछली मार्केट मुर्गा मार्केट, देखिए सुंदरपुर सब्जी मार्केट से ही आगे बढ़ने पर यहाँ पर देखिए एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है पुकार हॉस्पिटल, ये देख रहे हैं सामने, और ये है मेन प्रवेश द्वार जाने का, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि यह जो सुंदरपुर और बेच्चू वाला जो रोड है इस रोड पर आपको आधा दर्जन से अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल भी आपको मिल जाएंगे, ये देखिए इस साइड आपका है केयर हॉस्पिटल, सामने लगा हुआ है जाम, सामने आपका है भिखारीपुर त्रिमुहानी जो कि एक बाएं साइड वाला रोड आपका चितईपुर होते हुए आपका सीधे चला जाता है NH-90 में मिल जाता है, और यही दाहिने साइड वाला रोड आपका BLW कैंपस के लिए भी चला जाएगा और बनारस रेलवे स्टेशन के लिए भी चला जाएगा, तो चलिए हम लोग चलते हैं इस साइड आपका
वो देखिए सामने भी जाम लगा हुआ है, गजब जाम है अपने वाराणसी में। समझे इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं, ये देख रहे हैं ऐसा जाम देखेंगे तो अपने वाराणसी में वैसे रहता है लेकिन ये शाम के समय ज़्यादातर जाम रहता है, लेकिन आज दोपहर का समय ही देखिए जाम लगा हुआ है। सेट देखिए आपका है BLW का सेट जॉन्स स्कूल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और उसी से सटा हुआ है आपका है मेन प्रवेश द्वार BLW कैंपस के अंदर जाने का। ये देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार इस साइड आपका है सुलभ शौचालय। बगल में आपका है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। अभी हम लोग आ गए हैं आपका ककरमत्ता DLW, ये जो एरिया है ये आपका है ककरमत्ता। देख रहे ऊपर बोर्ड लगा हुआ है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन बाबतपुर हवाई अड्डा, यानी ये सीधे तो नहीं जाएगा लेकिन आगे जाके मुड़ना होगा। और सामने जो पुल देख रहे हैं ये आपका ककरमत्ता पुल, जो कि अगर ये इस पुल पर से अगर आप जाएंगे तो सीधे आप चले जाएंगे बनारस रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2 के लिए, और हम लोग चल रहे हैं गेट नंबर 1 के लिए। इस साइड आपका है लिटिल फ्लावर हाउस, या रेसिपी पैटर्न द्वारा चलाया जाता है आपका स्कूल है ये, और उसी से बगल में ये देखिए उसी के बगल में है ये आपका है पॉपुलर हॉस्पिटल। सामने आपको दिख रहा होगा बनारस रेलवे स्टेशन, ये देख रहे इस साइड से भी आप जा सकते हैं बनारस रेलवे स्टेशन के लिए। यहाँ पर देखिए जाम लगा है, फिर ये जाम इसलिए लगा है कि इस समय वर्तमान समय में कोई यहाँ पर ट्रेन रुका हुआ था, जो कि ऑटो रिक्शा वाले भी यहाँ पर खड़े हैं सवारी को इंतज़ार करने के लिए, यानी सवारी बैठा है अपना वाराणसी जंक्शन के लिए या फिर कई अन्य जगहों के लिए लेके जाएंगे, इसी वजह से यह जाम लगा हुआ है। देख रहे टूटो और ऑटो रिक्शा ये सवारी, जैसा कि मैं बता ही दिया था आगे मंडप पर बाएं साइड में आपका है आपका बनारस रेलवे स्टेशन के कैंपस में स्थित, ये देख रहे हैं हनुमान जी का एक मंदिर है। ठीक है ये देख रहे हैं ये सामने आपका है बनारस रेलवे स्टेशन। देख रहे हैं दोस्तों और आगे बढ़ने पर देखिए इस साइड है आपका पूर्वोत्तर रेलवे आरक्षण केंद्र बनारस, और सामने आपका है पार्किंग एरिया।
ठीक है, ये था आपका नज़ारा बेचू ट्रामा सेंटर से बनारस रेलवे स्टेशन तक के नज़ारे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ऐसा ही मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।